नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर शबीना खान सनराइज आईवीएफ सेंटर से। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में बताना चाहती हूँ। जो हमारे मरीज ने पूछा वो ये कह रहा है, क्योंकि अब गर्मियाँ शुरू हो रही हैं, तो ये एक मरीज ये जानना चाहता है क्या गर्मियों के मौसम में आईवीएफ ट्रीटमेंट करा सकते हैं? क्या चांसेस प्रेगनेंसी के कम हो जाते हैं, हमें नहीं कराना चाहिए या कराना चाहिए? तो ये इस सवाल का मैं आपको जवाब देना चाहती हूँ कि गर्मी के मौसम हो या सर्दी का मौसम हो, जो हमारे एम्ब्रियोज हैं जो हम ट्रांसफ़र करते हैं, वो डिपेंड करता है बॉडी टेम्परेचर में। यानी आप जानते ही हो कि जो हमारा ह्यूमन यानी इंसान का जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। अगर मान लीजिए बाहर अगर तापमान बहुत ज़्यादा हो रहा है, 40 है 45 है 50 है, तो भी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 रहेगा, जिसमें हम अपने गुण को बनाते हैं, एम्ब्रियोस को बनाते हैं और जिस इनक्यूबेटर में रखते हैं उसका भी तापमान हम यही 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करके चलते हैं। ये पुराने ज़माने के लोग या बहुत ही जो हमारे एल्डर्स हैं वो ये उनके दिमाग में ये बात है कि गर्मी में अगर कराएंगे तो सक्सेस नहीं होगा, या हमने कुछ गर्म खा लिया या गर्मी की वजह से ट्रीटमेंट पे असर आएगा। तो मेरे ख्याल से मौसम का बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं रहता आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए। और अगर देखा जाए जो अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर हम ही मैं आपसे ये पूछूं कि जो एरियाज हैं या जो कंट्री जैसे दुबई है, सऊदी है, या फिर हमारे इंडिया में राजस्थान है, वहाँ पे इतना टेम्परेचर रहता है, क्या वहाँ के लोग कंसीव नहीं करते हैं? वहाँ के लोग कंसीव करते हैं ना, तो उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और तो इसलिए ये ऐसा कुछ नहीं है कि मौसम जो है गर्मी का आ गया है इसलिए हम आईवीएफ ट्रीटमेंट ना कराएं या हमारा सक्सेस नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं होता है। और बनिस्बत मैंने देखा है कि आईवीएफ ट्रीटमेंट जो सक्सेस रेट है, हमने जो पाया, हमने पाया कि गर्मियों में हमारे जो ये अप्रैल मई जून वाला जो सीज़न है इसमें और अच्छे और बेहतर रिजल्ट आए हैं। तो आईवीएफ ट्रीटमेंट की मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा मौसम से मतलब नहीं है, बट लेकिन ये है कि अगर कोई प्रैक्टिकल पॉइंट है कि भाई मरीज को आने जाने में दिक्कत है, गर्मी में वो घूम आना नहीं चाहता, दूर नहीं जाना चाहता, ये प्रॉब्लम है, या डॉक्टर छुट्टी पे है, कुछ वेकेशंस पे चला गया है, तो वो अलग चीज़ है। मगर एज सच मेरे हिसाब से मैं ऑनेस्टली बोलूँ कि मौसम का कोई फर्क नहीं पड़ता आईवीएफ में, और ऐसा कहीं नहीं है कि गर्मियां आ गई अब आईवीएफ ट्रीटमेंट नहीं कराना। आप बिल्कुल जहां भी आप करा रहे हैं, जैसे भी करा रहे हैं, आप कराएं, बेफिक्र रहें, क्योंकि मौसम का इस ट्रीटमेंट पे मेरे ख्याल से कोई फर्क नहीं पड़ता। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये बातें समझ में भी आई होंगी और आप इस चीज़ को मानेंगे भी। अगर कोई भी अगर आपको जानकारी लेना हो तो आप हमें बेशक कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।